good morning i wish your morning is wonderful and you are studying really really hard today we shall again try and complete it what are things we could not do in the last lecture we shall do that राइट टू बी हैव कम हियर टू दलोटैक्सी जरा देखिए यहां तक हमने बातें कर दी थी पन इसका निमोनिक ने बताया था आपको यूनोद्रथ थ्री काइंस ऑफ फेलोटैक्सी ऑल्टरनेट अपोजिट आ एंड वर्ल्ड राइट right. अपोजिट में दो है डेकिसेट अन सुपोज ये आप जानते हैं अल्टरनेट में चाइना रोज है वर्ल्ड में अलस्टोनिया है इवन नेरियम में ये होता है डेक्सेट में कैलोट्रॉपिस है और सुपरपोज में ग्वा है ये तीन फैलोटैक्स हाउ टू रिमेंबर अटैक चाइना Oppose California and Genoa. World accepts. World accepts. Here attack China. Oppose California. Attack is alternate. China is China rose. Oppose California decussate calotropis and Geneva. That is this supposed guava world, except world is what? Alstonia. That's what the ferro taxi could be taken up correctly and seriously. So, this I have just done. Uh, right? ले मूव एड टू द नेक्स्ट आइए आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स पे अब लीफ मॉडिफाई होगी तो क्या क्या बनाएगी पहला इसका मेजर प्राइमरी फंक्शन क्या है फोटो अब उसमें बनेगा सिलेंडर टेंड्रिल अब टेंड्रिल पी का जो होगा पी का पाइसम का वो कैसे होगा जैसे आप जानते हैं अपर लीफलेट्स दे बिकम टेंड्रिल एंड लोअर वंस राइट अब यहीं पे अगर आप चाहो तो इसको यू देख लो फोलिएशियस टिप्यूस राइट right? तो यहां पे जो अपर लीफलेट है दे बिकम टेंडल फॉर सपोर्ट फिर स्पाइंस डिफेंस कैक्टाई ओपनशिया फ्लैश लीव ऑनियन गार्लिक स्टोर्स फूड इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया अगर ऑस्ट्रेन अकेशिया को आप देखोगे तो ये यूं होता है इस तरह से और यहां पे और यहां पे होती हैं लीफलेस दीज आर एडिंग डाउन रिड्यूस हो जाती हैं, राइट right? ये ऑस्ट्रेलियन है और यहां पे क्या बनता है फाइलोड ठीक है द लीव्स आर शॉर्ट लिफ्ट these become reduced and they shed off. Yape vaidikare. petioles of plant expand, becomes green, synthesized food. leaves of certain insectivorous plant. pitcher plant. pitcher plant. venus flytrap. yapi modification of leaf. Hai. अगर आप इसको देखोगे तो वीनस फ्लाइट ट्रैप इस तरह दिखता है यहां पे ग्लैंस होती हैं जैसे इंसेक्ट आता है इट बिकम फोल्डेड एंड लॉक्ड इंटरलॉक और निपेंथिस में अगर आप देखेंगे तो एकदम पानी के जार जैसे दिखता है और यहां पे एक लीड दिखती है जैसे आया इंसेक्ट अंदर ट्रैप्स एंड शर्ट्स डाउन दस एग्जैक्टली बींग शोन फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स, नॉट मूविंग एंड प्रोसेंग फॉर द मोर आइए इनफ्लुएंस में देखें अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स है राइट right? और जो शूट मॉडिफाई हो जाता है उसको क्या बोलते हैं वेन इन द शूट अपाइकल मेरिस्टम चेंज द फ्लोरल मेरिस्टम इंटर नोट्स डू नॉट इलोंगेट इन द केस एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली When shoot tip transforms into flower, it is always solitary means alone. Arrangement of flower on this axis will be what? Inflorescence. Right? I guess. कंटिन्यूस ग्रोथ ब्लाबला ब्लाबला डिफाइंड एज रेसीम जहां पे कंटिन्यूस ग्रोथ ग्रोथ होती इनडिटर्मिनेट और जहां पे डिटर्मिनेट होगी वो क्या होगा साइमोस तो यहां पे इनडिटर्मिनेट है और यहां पे डिटर्मिनेट है राइट right? और यहां पे अरेंजमेंट कैसे होता है एक्रोपिटल यहां पे अरेंजमेंट कैसे होगा बेसिपिटल राइट right? यहां पे यही मेंशन किया है और साइमोज को टोमिनेस लिमिटेड ग्रोथ होगा तो बेसिपिटल इंट्रप्शन के लिए हमें खेद है हम थे जयगो पे जैगो में इस बायलैटरल तो बायलैटरल को हमने क्या बोल दिया जाइगो बिला पी. गुलाबो गुलाबो बीन्स केयरफुली जाइगो बिला पी गुलाबो केयरफुली ये इसका मैंने दे दिया पी है गुलमोर है बीन है कैशिया है तो पी को पी रखा गुलमोहर का गुला ले लिया बीन का बो बना दिया और कैशिया का केयरफुली राइट फिर इसमें तीन तरह के अरेंजमेंट है ट्राई मेरस टेट्रा मेरस पेंटा मेरस तू टकीला पी तू टकीला पी ट्राई इज तू इज टकीला पेंटा इज पी तो इस तरह से हमने ये अरेंजमेंट आपके सामने रख दिया सो दैट यू रिमेंबर यू डोंट फॉरगेट की व्हाट आर दी थिंग्स ट्राई मीन तीन इक्वल एब्स अरेन्जमेंट ऑफ द्लोरव थ्री 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 टेट्रा फो 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 पेंटा फाइव 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 ये यहां पे मेंशन किया तीन चार और पांच ब्रैक्स रिड्यूस्ड अब ब्रैक्स के बारे में देख लीजिए ब्रैक्स आर लीफी अपेंडिज अगर ब्रैक्ट हुई तो फ्लावर बोलेंगे ब्रैक्टिएट, नहीं हुई तो ई ब्रैक्टिएट राइट right? तो यहां पे वही मेंशन किया है। रिड्यूस लीफ leaf है लीफी अपेंडेज मैंने बोला है रिड्यूस लीफ है फाउंड द बेस ऑफ पेडिसिल कॉल ब्रैक्टिट विदाउट ब्रैक्स ई ब्रैक्टेट ये आधार पे यहां पे मेंशन हुआ है तो चलो इसी बात को लेके हम आगे चले जाते हैं ये एग्जाम्पल्स है डायग्राम पे क्वेश्चन होता है अपने आप दिमाग में बिठा लीजिए ये डायग्राम पे क्वेश्चन बनता है बाबा हाइपो बिलो मतलब ओबरी के नीचे सब पेरी ओबरी सेंटर में और फ्लोवर्स अद पेरी फेरी नो यूनियन थालमसान ओबरी अन एपी में ओबरी थेमस के अंदर फ्यूज राइट और बाकी वर्स अब द ओबरी दीज कंडीशन बींग शोन हियर प्रिविल्ड ऑफ चल भाई आगे अब यहां पे क्या दिखा है तीन नेचर दिखा है हाइपोगाइनस। अब हाइपोगाइनस में क्या क्या दिखा दिया वो भी सुपीरियर है एग्जाम्पल है मस्टर्ड चाइनरोज तो मैंने क्या दिया उसका हाई सुप्रिया मस्त टू बैट हाई सुप्रिया मस्त टू बैट यहां पे हाइपो को लिया हाई सुप्रियल को लिया सुप्रिया मस्त लिया मस्टर्ड को चुप को लिया मैन ने चाइना राइट और ब्रिंजल को लिया बैट यहां पे इस तरह से हमने निमोनिक्स इसके बारे में लर्न करने को बोल दिया कि हाइपो क्या क्या एग्जाम्पल है अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट है पेरी कंडीशन अब पेरी गायनस कहां, कहां पे दिखती है वो देख लो प्ल इियर हाफ इंफीरियर है प्लम रोज और पीच में है तो हमने क्या लिया परी हेड इनपुट रेड एंड पिंक परी के हेड में पुट रेड और पिंक क्योंकि वो दूसरे दूसरे कलर को सोचते रहती है तो वही मेंशन कर दिया यहां पे री फॉर पेरी फिर यहां पे है हाफ इंफीरियर हेड इन हाफ इन इंफीरियर पुट पुट में क्या है प्लम रोज का रेड और पीच का पिंक ऐसे ही एपी गायनस को देखिए आप एपी गायनस में पूरा इन्फीरियर होता है एग्जाम्पल है गोवा एंड कुकुंबर इजिप्ट राइट इन जिनेवा कैलिफोर्निया स्कॉटलैंड राइट तो यहां पर क्या मैंशन कर दिया मैंने इजिप्ट को एपिगेनस इनको इंफीरियर जिनोवा को गोवा कुकुम्बर को कैलिफोर्निया और यहां पे है स्कॉटलैंड सनफ्लावर सनफ्लावर के डिस्क फ्लोरेट में ये ऐसे ही कंडीशन मिलती है इसीलिए ये इतना याद करने के लिए मैंने ढंग को आपके सामने रख दिया है राइट right? तो यहां पे पहला था हाइपो का हाई सुप्रिया हाई सुप्रिया मत चुप बैठ फिर दूसरा था परी हेड इन उ रेड एंड पिंक फिर तीसरा है इजिप्ट इन जिनोवा कैलिफोर्निया स्कॉटलैंड आउट इतना सारा बातें हमने आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंशन किया एंड आई विश यू में बी एबल टू गेट इट आइए पार्ट ऑफ फ्लॉर को देखा जाए तो फ्लावर में क्या होता है कैलिक्स कुरोला एंड्रूशियम तो मैंने बोला कम करेक्ट एंड्रू एंड गो राइट तो ये कोई टीचर होगा जिसको बुलाया जा रहा है एंड्रू काम नहीं कर रहा है आकाश भी आप ले सकते हो आकाश काम नहीं कर रहा है तो उसको आप बोल दो कि भाई आ जा इसको करेक्ट कर दे और फिर तू जा अब ये गैमो हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा नोन टू यू राइट नौ कोरोला में भी कुछ खास बातें नहीं आती हैं अब यहां पे देखिए ये डायग्राम पे क्वेश्चन जैसा है वैसे ही अब हम आ गए एस्टिवेशन के ऊपर ठीक है अपने चार एस्टिवेशन है वलबेट है ट्विस्टेड है इम्रिकेट है और वेक्सिलरी है राइट right? इतनी सारी बातें यहां पे हैं और अगर हमने एग्जाम्पल देखा तो यहां पे पहला है ये देखिए कैलोट्रोपिस यहां पे दिखा है वेलबेट तो मैंने मेंशन किया वीसी वाइस चांसलर वाइस चांसलर वीसी सी का कैलोट्रोपिस है फिर देखिए यहां पे दिखा है इफ वन मार्जिन देंडेज ओवरलैप्स विथ ओवर लैप द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एज इन चाइना रोज लेडी फिंगर एंड कॉटन तो मैंने कहा यहां पर दिया इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड तो मैंने कैसे मेंशन किया चाइना लेडी कट एंड ट्विस्ट चाइना चाइना रोज हो गया लेडी फिंगर लेडी हो गई एंड फिर क्या है कॉटन कट एंड ट्विस्ट कहां पे हो गया यह ट्विस्टेड एस्टिमेशन है तो ये मेंशन क्या किया चाइना लेडी कट एंड ट्विस्ट ट्विस्टेड में तीन एग्जांपल है चाइना रोज लेडी फिंगर एंड कॉटन फिर देखें आगे चलते चाइना रोज के बाद क्या हो गया

ये क्रिस्टो गूगल इमीडिएटली ठीक है तो क्रिस्टो किसका आ गया कैशिया गूगल किसका आ गया गुलमोहर और कौन सा एस्टिवेशन है इम्ब्रिकेट इमीडिएटली उसके बाद देखो पी एंड बीन फ्लावर्स दरा फाइव पेटल्स ओवर लैप एंड फॉर्म वैक्सीलरी तो पी पी बोल दिया पीना बीन पी बीना था बीना बी आई एन ए मैं करेक्ट कर रहा हूं पी बीना वेलम वेलम इज वॉटर पी और बीन बीना दोनों एग्जाम्पल हो गए और वेलम क्या हो गया वै एक्सिली एस्ट्रिमेशन चलो आगे ही जाते हैं यह डायग्राम आपके जहन में होना चाहिए जैसा दिया है वैसे ही क्वेश्चन होते हैं और इंपॉर्टेंट है जरूर होते हैं तो आप इनको ध्यान में रखिएगा के बाद हम जाते हैं एंड्रूसियम पे अगर आपने एंड्रूसियम की बात सोच ही ली है और जानते हैं तो सारी बातें आपको मालूम है यहां पे एक ही चीज देखना स्टेराइल स्टेमेन इज अ कॉल्स टाइमिनोड तो और होगा कहां पे वो हो? स्टेमिनोड होगा कैना में राइट गार्डन फ्लावर है और फिर है एपी, एपी फिलस अगर पेटल से अटैचमेंट हुआ तो एपीपटलस हो गया और पेरियन से हुआ तो एपीफिलस हो गया राइट पॉलिंड्रस कंडीशन क्या है स्टेमस इन फ्लावर मे ईदर रिमेन फ्री तो पॉलिंड्रस हो गया मे बी यूनाइटेड मे बी यूनाइटेड वेरिंग डिग्री द स्टेमस मे यूनाइटेड मोना डेल्फस डाइडेल्फस राइट and polydelphus thin condition being seen mona means one di means two poly means more than two more than two Baki rest of the things known to you there may be variation in the length of the filament within a flower salvia and mustard Ye important The variation dikha rahe. वो इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा वो डायग्राम में जो दिखाया गया है वो प्लासेंटेशन है जो हम बाद में देखते हैं डायग्राम को ध्यान में रखिएगा अब गैनोशियम में अगर आ गए तो ओवरी स्टाइल स्टिग्मा ये तो मालूम ही आपको और अलग अलग तरह के होंगे एक कार्पल होगा या कि मल्टी कार्पल होगा दस वर्ड कंडीशन कुड भी या कि मल्टी हो के एक हो जाएगा बाय फ्यूजन दस ऑल ना इसके बाद जाइए आगे प्लासेंटेशन पे प्लासेंटा क्या है ये क्वेश्चन लाइक प्रोजेक्शन है मतलब है आउट ग्रोथ जो रेज करता है किसको ओव्यूल को उसको हम प्लासेंटा बोलते हैं अब कंडीशन दो है कार्पस सारी फ्यूज हो जाए जैसे मुट्ठी बना लिया सिंकारपस सारी उंगलियां खोल दी दैट इज अपो कार्पस फ्री एंड अपो कार्पस अपो कार्पस कंडीशन सीन इन अनोना माइकीलिया माइकीलिया चंपा का गाली है भाई नाम है उसका माइकीलिया चंपा का राइट right. अब इसके बाद जाइए कार्पल फ्यूज कहां पे है मत टूट मत टूट कौन है मत है मस्टर्ड टूट है टोमेटो यहां पे वही बातें दी गई हैं बच्चे हम इसी के आधार पे हम आगे चले ही जाएंगे अब प्लासेंटा दिया गया है डायग्राम देखे दीज डायग्राम सर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे तीन चार डायग्राम एक है अब ये जो दिया हुआ है मार्जिनल है फिर क्या है एक्साइल है फिर क्या है पेराइटल है ठीक अब आगे जाते हैं फिर क्या है यहां पे फ्री सेंट्रल है और लास्का बेसल है राइट अब यहां पे ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है और क्या निमोनिक्स इसमें प्रोवाइड किया है मार्जिनल है प्लाजेंटेशन राइट right? अब किसमें मिलता है पी में मिलता है तो हम क्या बोलेंगे मार्जिनल को जहां पे अगर आपको हम एक्सप्लेन करने कोशिश करें तो कहा जाता है ये जो गायनोशियम है ए मॉडिफिकेशन है मॉडिफिकेशन किसका है लीफ का है तो लीफ जब फोल्ड होती जैसे मैं हाथ दिखा रहा हूं जैसे लीफ फोल्ड होती है तो जहां दोनों मार्जिन फ्यूज हो रही हैं वो जो फ्यूज मार्जिन है वो जो फ्यूज मार्जिन है, है उसको बोलते हैं वेंट्रल सुचर बेटा क्या बोल रहे हैं वेंट्रल सुचर और उसके जो अपोजिट में है अपोजिट पार्ट जो उसका अपोजिट है जहां पे मिड्रीब है उसको बोलते हैं सुचर। अब यहां पे दो सुचर हो जाता है तो जो वेंट्रल सुचर है उसी पे ओव्यूल अरेंज होता है अरेंजमेंट ऑफ इंटा ओव्यूल ऑन देंटर सुचर तो यहां पे दिया है मार्जिनल का मार्जिन एग्जाम्पल क्या है पी तो मैंने लिखा मारपीट क्या लिख दिया मारपीट अब उसके बाद देखिए मार्जिनल तो हो गया अब दूसरा क्या है एक्साइल है राइट अब एक्साइल में क्या दे दिया मैंने चाइना रोज है टोमेटो है लेमन है तो यहां पे मैंने दे दिया आ चिंटू तोड़ ले आ का क्या एक्साइल है और दूसरा क्या है चिंटू है चिंटू कौन है चाइना रोज तोड़ ले कौन है टोमेटो ले कौन है लेमन तो ये चारों यहां पे दिए गए हैं ये सीक्वेंस को हमने मेंटेन कर दिया ठीक है इसके बाद आगे चलो और देखते इसके बाद क्या हो रहा है यहां पे अगर हम आ गए तो नेक्स्ट देखिएगा अब यहां पे सबसे बड़ी चीज क्या है मास्टर्ड अर्जमोन है मस्टर्ड अर्जमोन किसके हैं पेराइटल के हैं राइट तो पेराइटल का हमने क्या नाम दिया है पगले राइट मस्टर को दिया मत आर्जिमोन को दिया आ पगले मता पगले मता क्या हो गया पेराइटल राइट पेराइटल में क्या क्या हो गया मस्टर्ड एंड आर्जिमोन अब उसके बाद सेंट्रल एक्सिस है सॉरी फ्री सेंट्रल फ्री सेंट्रल में दो एग्जाम्पल दिया डायंथस एंड प्रिमरोज डायना प्रिंसेस फ्री को फ्री सेंट्रल डायना को डायंथस प्रिंसेस को प्रिमरोज योर सेल्फ हैज गॉट नो मीनिंग राइट डायना प्रिंसेस फ्री योर सेल्फ मीन टेकिंग अपॉइंटमेंट दस वर्ड एग्जैक्टली फॉर दिस आगे चलते हैं और फ्रूट की तरफ मुखातिब हो जाते हैं आप जानते हैं फ्रूट क्या है मैच्योर राइपेंड ओवरी है डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन का बनता है उसको अंदर पार्थिनो कार्पिक सीडलेस होगा अब यहां पे अगर एग्जाम्पल लिया गया ये मैंगो है आप जानते हो इसमें एपी है मीसोकार्प है सीड है एंडोकार्प है तो क्या लिखा एंटर मिडिल से ईस्ट में कहां से जाना आपको एपीकर एंटर मिडिल से मीसो कप से सीट ईस्ट ईस्ट क्या एंडो है एंडोकप दाउ जू कुबर द थ्री लेयर्स एंड द सीट स्ट्रक्चर द द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट ध्यान दीजिएगा आइए सीड के ऊपर अब सीड में क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके आधार पे पहले आप आ जाओ अब क्या है ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम सीड सीड इज मिडअप ऑफ सीड कोट आई एम्ब्रियो एमब्रियो मेडअप ऑफ रेडिकल एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन आज इन वीट एंड मेज डब्ल्यू एम वीट मेज और टू जहां पर एक कॉटन होता है और जहां पर दो होता है जीपी मैं फुलफॉर्म नहीं बता रहा हूं ग्राम एंड पी तो यहां पर डब्ल्यू एम है और जीपी है ये दोनों वर्ड आ गए अब अगर इसको स्ट्रक्चर में देखोगे सीड को तो सीड के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है वो देखो पहला सीड के स्ट्रक्चर में होता है टेस्टा टेस्टा कहां पे है बाहर है और होता है टेगमेन वो कहां पे है अंदर है फिर होता है हाइलम स्कार है जहां से टूट के गिरा हुआ है फिर होता है माइक्रोपाइल ओपनिंग तो हमने क्या इसको एग्जाम्पल दिया ओ टी आई टी हाई माई ओ टी आउटर टेस्टा आई टी इनर टेगमेंट हाई हाईलम माई माइक्रोपाइल तो ये दिया ओ टी आई टी हाई माई तो इसे आप समझ जाओगे कि वट आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द सीडीज ठीक है यहां पे वही बातें डिस्क्राइब की गई हैं और वही मैंने मेंशन किया अब देखिए यहां पे मेंशन किया इन प्लांट ए ब्रीन ग्राम एंड पी द एंडोस्पम एंडोस्पम नॉट प्रेजेंट तो मैंने क्या बी ग्रेट पूजल ये बी फॉर बीन ग्राम फॉर ग्रेट एंड पी फॉर पूजन दस वैक्टली इज फॉर दिस एंड अकॉर्डिंगली वी कैन स्विच ओवर टू द नेक्स्ट आइए अब यहां बहुत सारी बातें मालूम है ये जो अलवान लेयर है ये एंडोस्पर्मिक है इसके लिए क्या होगी थ्री एन एंडोस से बनती है इसके लिए थ्री एन होगी कंफ्यूजन मत लाना बेस्ड ऑन दैट प्रॉब्लम किया है? में है मेज में सीड कोट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन सीड कोट जो रहती है फ्रूट वॉल से फ्यूज होती है दोनों फ्यूज होती हैं जब फ्यूज हो जाती हैं तो उनको कहा जाता है हल ये फाइब्रस हो जाती है नेचर में उसके अंदर एलोन है, है जो प्रोटीन की बनी होती है उसके बाद एंडोस्पम है और उसके बाद डिवाइड हुआ एंडोस्पम फ्रॉम एम्ब्रियोनिक कंडीशन थील लाइनिंग है ये क्या है एपी थीलियल लाइनिंग राइट तो अभी पूरा ध्यान आप दे रहे हैं। तो यहां पे क्या है कोलिप्टाइल है रेडिकल है तो कोलियोराइजा और यहां पे प्लिम्यूल है तो कोलियोटाइल जैसे आप जानते हो अब ये डायग्राम को कैसे याद करने का है, वो मैंने बताया आलिया सी आलिया सी सिटिंग इन कॉरिडोर पे रिपीटेडली क्राइम आलिया सी सिटिंग कॉरिडोर पे रिपीटेडली क्राइम तो आलिया क्या है एलिरोन लेयर है सी क्या है सी कोट है वॉल इरम क्या है एंडोस्पर्म है सिटिंग क्या है स्क्यूटुलम है इनका कोई मतलब नहीं है इसको मैंने इसलिए स्मॉल में लिखा है कॉरिडोर कोलियोप्टाइल है प्रीम्यूल पे है रेडिकल रिपीटेडली है कोलियोराइजा क्राइंग। तो यू कैन रिमेंबर द सिक्वेंस द डायग्राम आ दैट इज वट एक्सैक्टली आई ट्राइ टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू दस वॉट अबाउट दी दिस पार्ट लेट गो फॉर द नेक्स्ट आ गए फैमिलीज के ऊपर अब फैमिलीज में क्या होता है कैलिक्स होता है कोरोला होता है पेरियंस होता है एंड्रोशियम होता है गैनोशियम होता है यह अरेंजमेंट है काका कॉल पर आए और गए काका फॉर कैलिक्स कॉल फॉर कुरोला पर फॉर पेरियंथ आए फॉर एंड्रूशियम आइन गए गायनोशियम काका कॉल पर आए आई एंड गए ये आधार पे आप समझ लेंगे यू रिमेंबर दैट दिस फ्लोर डायग्राम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फ्लोरल डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी टू रिमेंबर है सोचो so, गायनोशियम कैसी है उसको ड्रॉ करो सोचो एंड्रूसम कैसा है उसको ड्रॉ करो सोचो कोरोला कैसे है उसको ड्रॉ करो सोचो कैलिक्स कैसे है उसको ड्रॉ करो उसके आस्टिवेशन को सोचो वो फ्री है कि फ्यूज है यही बात सोचने के कैलिक्स कोरोला में इसके लिए ब्रशिका का जो स्ट्रक्चर यहां पे दिया गया है इजिली यहां पे आप देखिए क्या प्लासेंटेशन होगा यहां पे वो आप देख लीजिए उसके बाद डायडानमस कंडीशन है ये देख लीजिए यहां कोरोला चार है सब फ्री है वेलवेट है आप देख लीजिए यहां पे क्या है कैलिक्स कैसे दिख रहा है ये फ्री है ये दोनों बाजू और ये भी टोटली तो क्या हो जाएगा अराउंड लाइक इम्ब्रिकेट तो वो आप देख लीजिए तो यहां पे कोरोला कैसे है कोरोला वेलवेट है और ये कैसे दिख रहा है इम्रिकेट ये कंडीशन यहां पे दिख रही है बाकी अदर नोशन आई नॉट टेकन अप आई एम जस्ट पुशिंग एड एंड ट्राइंग टू कंप्लीट इट टुडे सेल्फ फैमिली आप जानते हैं फैबेसी इसको दाल की फैमिली बोला जाता है इसका पुराना नाम है पैप्लोनॉडी और पैप्लोनेसी लेग्यूमिनोसी की बेटी है किसकी बेटी है लेग्यूमिनोसी की और बाकी सारी बातें आप जानते हो यह डायग्राम इसके इंपॉर्टेंट है और डायग्राम इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ठीक है अब यहां पे फ्लोर डायग्राम है यह भी इंपॉर्टेंट है आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा वो कोई भी डायग्राम दे देगा और पूछेगा कि भाई कैसे है ये सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अब इसी के आधार पे मैं आगे जा रहा हूं को main, आपको के निमोनिक्स देना है। ये एक तो पहला उसकी सिमेट्री क्या है दूसरा बाई सेक्सुअलिसक्सुअल है और तीसरी कैलिक्स कैसा है, सेपल्स कितने है? फ्यूज कोरोना है, है? अरेंज कैसे है अब इसमें कोरोला कितना तो में क्या होगा एक स्टैंडर्ड है कवरिंग टू विंग्स और दोनों विंग टू कील कील पार्टली है तो इसमें ये डायग्राम दे दिया फिर आप देखो कि कैसे है पांच है कि दस है कितने फ्यूज हैं कितने फ्री है ये डायड कंडीशन बता दिया उसने गायनोशियम हालत देखो कितनी गायनोशियम है राइट वो कंडीशन हो गई वो मेंशन कर दिया फिर सुपीरियर है कि इंफीरियर है हाइपो है या कि पेरी है पेरी है तो साइन ऐसे रहेगा हाइपो तो साइन ऐसे रहेगा और एपी है तो ऊपर जब देखोगे अब यहां पे वही मेंशन किया काका काका कॉल कॉल आया आया गो आया गो ये अब यहां पे आया एग्जाम्पल की बात देखिए तो पल्सिस में क्या है ग्राम अर सेम मूंग सोयाबीन है तो हमने क्या लिया पल्स के लिए घर आए मिस्टर सोया श्री घर आए मिस्टर सोया श्री घर का क्या ले लिया हमने ग्राम आए का और राइट मिस्टर पहले मूंग फिर लिया सेम सेम और फिर लिया सोयाबीन वैसे ऑयल के लिए मैंने दे दिया ऑयल में क्या सोयाबीन एंड ग्राउंड नट सोया गो जैसे बोलते कोरोना गो सोया गो अब उसके बाद देखे डाई में इंडिगोफेरा है फिर फाइबर में सनहेम्प है फोडर में सिस्बैनिया है ट्राइफोलियम है और ल्यूपिन स्वीट पी है मेडिसिन में मिलेटी है सबको मिला दिया सबको मिला के क्या बोला सिस्बा ट्राई इंडिया फॉर सन सनह ल्यूपिन स्वीट पी एंड मिलेटी इंडिया को ट्राई करो फॉर ऑल दीज कंटेंट सन हेम्प ल्यूपिन स्वीट पी आटरी और क्या बोल दिया सिस्बा सि, ट्राई एकदम वैसे का वैसे रख दिया हूं इंडिया इंडिको फेरा फॉर का कोई मतलब नहीं है फॉर इज जस्ट टू कंप्लीट द वर्ड वर्ड दिस एग्जैक्टली इज ऑफ दर्ड फैमिली फेबेसी फेबे क्या बोलते हैं पैपलिनेसी पैपले किसकी बेटी है लेग्यूमिनेसी आइए सोलन पे इसको भाजी की फैमिली बोली जाती है पोटैटो चिलीज सब किस में आते हैं इसमें आते हैं ठीक है आगे जाता हूं डायग्राम जैसा दिया है बेटा वही से ही आपको जानने का है फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फैमिला फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम अ वेरी इंपॉर्टेंट अच्छी तरह आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए जब कुछ नहीं बराबर रहे लेकिन अगर इतना पार्ट दिखा कि जहां ओबरी यू ड्रॉ की गई है ये काय की नेचर है ओबरी की वो क्या हो जाएगी सोलनिस एक ही पॉइंट से आप याद रखिए सोलनिसी क्या होती है ठीक है यहां पे वही एग्जाम्पल लिखते दो काका कॉल आया काका कॉल आया गो अब यहां पे एग्जाम्पल्स हैं फूड का है टोमेटो एंड ब्रिंजल पटेटो स्पाइस का है चिली मेडिसिन का है बेलाडोना अश्वगंधा फ्यूमिगेटरी का है टोबैको आप लोग खाते भी हैं ऑर्नामेंट का है पिट्यूनिया तो कैसे एग्जाम्पल करना है यहां पे ध्यान करना है टिक्कू टोमैटो ब्रिंजल बेटा पी पोटैटो चल बेला लड़की का नाम है अश्वा टैबू पर अश्वमीज घोड़ा अश्वमीज घोड़ा किस घोड़े पे जाने को बोल रहा है टिक्कू बेटा पी तू बैठ के पीते रहे चल बेला टब्बू पे वो अपने रथ को बदल दिया दूसरे घोड़े पे जा रहा है यहां पे उसका यही मतलब दिया गया है कि भाई जो भी चल रहा है एग्जाम्पल है टिक्कू टमाटो बेटा ब्रिंजल पी पटाटो चल चिली बेला बेला डोना के जैसे ही है अश्व अश्वगंधा जैसे ही है राइट टैबू टो पे पिट्यूनिया राइट ये इस तरह से आप इसको अपने जहन में बिठा सकते हैं आई जस्ट ट्राइड एंड गेव यू इंगीड बट बी डन गिवेन टू यू सो दैट माई चिल्ड्रन परफॉर्म अटमोस्ट बेटर देन एवरी वन एनी वन इन नीट थर्टींथ विच इज कमिंग इन टू थाउजेंड ट्वेंटी एग्जाम्स राइट लास्ट फैमिली इज यो लर्निंग बट आई शाल बी ट्राइंग एंड कंप्लीटिंग लिली फैमिली की बात है राइट लिली फैमिली में भी स्पाइसेज आते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट आते हैं यहां पर बल्ब होता है कॉर्म होता है राइजोम होता है जिंजर वगैरह की बात यही पे होती है लीव कैसी है मोस्टली बेसल अल्टरने लीनियर एक्सट्रिपलेट स्ट्रिप्यूल नहीं होता पार्लमिनेशन सॉलिट्री एक ही होती हैं साइमोज होती हैं अम्बलेट कहां पे होता है सामर में कोरियंडा फ्लावर कैसे है है यहां पे पेरियांत को टेपल बोलते हैं अरेंजमेंट दो रो में है तीन तीन राइट right? तीन तीन होगा तीन होगा मल्टीप्लस तीन होगा ट्राई कंडीशन हो गई जो आप अभी थोड़ी देर पास देखे थे कंडीशन इज ट्राइमेरस अब यहां पे देखे एपी टेपैलस बोलते हैं बोला एपी टिपैल जो यूनाइटेड रहते हैं उसको एपी ट्रिपेलस बोलते हैं मतलब तो उसको आप क्या बोल सकते हो एपी फिलस ऑल्सो गायनोशियम पे आ आगे सिंथस है ट्राई है सुपीरियर है ट्राई लॉक्यूलर है मेनी ओव्यूल्स एड एक्साइल प्लासेंटेशन फ्रूट कैसे कैप्सूल है कभी कभी बेरी भी हो जाता है यहां पे पायल अमित गो डोंट बी यहां पे तीन ही बात है पीफा पायल फॉर पेरियंथ एंड्रूसियम अमित और गो गो डोन्ट स्टैंड याउ है वर्क दस वो एग्जैक्ट लिया भैया थोड़ा चले जाते हैं हम ऊपर और इसको समप कर लेते हैं अब यहां पर जो एग्जाम्पल्स है उनके बाबत में आप बात समझिए अगर आपने यहां पर देखा तो फैमिली के ऑर्नामेंटल तुलिप ग्लोरियोसा मेडिसिन में आलो है वेजिटेबल में अस्परगस है और कॉल्ची है तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने निमोनिक्स तू गोरी आ तुलिप गोरी ग्लोरियोसा अलो आ कट पहला ले लिया कॉल्चिकम कट अस्परगस वेजिटेबल राइट तो मैंने बोला तू गोरी आ कट अस्परगस वेजिटेबल दे आपको एग्जाम्पल याद करने के लिए हमने आपके सामने रख दिया है ये डायग्राम में देखे दो रोज में है तीन बाहर है और तीन अंदर है तो दो रोज में बना दिया और तीनों से अटैच क्या है स्टेमिन एपीफिलस, एपी टेपलस कंडीशन और यहां पे ओबरी के तीन है जब तीन हो गया तो कोई नहीं होगा लीली होगी राइट दस वो एग्जैक्टली फॉर दिस जरा समरी को ग्लांस करिए शॉर्टली और देखिए अगर कुछ इसमें नया पुराना दिया गया है तो मेरे ख्याल से तो नहीं है मेरे ख्याल से तो नहीं है लेकिन फिर भी नए पुरानी बात को जरा देख लीजिएगा आप एक बार पढ़ लीजिएगा और पढ़ के ही जाइएगा उसके बगैर ना जाइएगा कभी एग्जामिनर के मूड को कुछ हम कह नहीं सकते कभी कुछ हो गया तो क्या राइट right? तो यहाँ पे कुछ खास दिखता नहीं है इसी के साथ हम आपको बड़ा सा धन्यवाद देते हैं और अल्लाह ताला से गुजारिश करते हैं कि आपको पढ़ने के लिए संबल मिले अच्छी तरह पढ़ाई करें चौदह घंटे वाला प्रोजेक्ट टाइम इज नियरिंग एंड let the time to wait for you and you don't wait for time good luck god is